हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एमएस एक्सेल कंसोलिडेशन के बारे में। किस तरह से आप कंसोलिडेट का यूज करेंगे एमएस एक्सेल में और उससे आपका फायदा क्या होगा, यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कंसोलिडेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम डाटा दो शीट पे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक शीट में ये डाटा है, जैसे हेडिंग यहाँ पे है एग्जांपल 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे कुछ वैल्यू 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है। इसी तरह से शीट टू में भी सेम आपका डाटा टेबल है, सिर्फ नंबर जो है वो चेंजेस है। अब मान लीजिए कंसोलिडेट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है दोनों टेबल जो सेम है। मान लीजिए ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो टेबल है वो सेम रहना है। अभी मान लीजिए ये दोनों टेबल का जो नंबर है उसको एडिशन करना है, मतलब दोनों शीट का नंबर प्लस होके एक अलग सा शीट में आपको डिस्प्ले कराना है, तब जाके आप कंसोलिडेट का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, एक नया शीट ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप एक नया शीट ले सकते हैं। नया शीट लेने का बाद दोस्तों आपको जाना है डेटा पे, और डेटा पे आने का बाद दोस्तों आपको आना है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे पहले आपको पूछेगा फंक्शन, मतलब कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे कंसोलिडेट पे यूज करना चाहते हैं, सम काउंट एवरेज या मैक्सिमम मिनिमम, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सम के ऊपर दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सम पे क्लिक कर देता हूं। आप बारी है रेफरेंस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेफरेंस में आप यहां पे देख सकते हैं एक यहां पे एरो दिया हुआ है रेड मार्क का, तो इस एरो पे आपको करना है क्लिक और चले जाना है पहले शीट पे। और पहले शीट पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वेल्यू जो है पूरा टेबल जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से रेड बटन पे क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पे देखेंगे जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में सिंपल आपको क्या करना है, ऐड पे करना है क्लिक, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो रेंज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। फिर से वापस आपको जाना है रेफरेंस पे, और रेफरेंस पे क्लिक करने का बाद दोस्तों अभी चले जाना है सेकेंड शीट जहाँ पे आपका वैल्यू है, और वो टेबल को आपको फिर से वापस सिलेक्ट कर लेना है, और फिर से रेड बटन पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखेंगे रेंज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी फिर से वापस ऐड पे करना है क्लिक, तो दोनों ही टेबल का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, टॉप रो पे क्लिक करना है, मतलब रो भी चाहिए आपको, लेफ्ट कॉलम भी चाहिए आपको, मतलब सेम टू सेम अगर आप रखना चाहते हैं, या तो आप सिर्फ वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं और उसका सिर्फ वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको ये टिक नहीं देने से भी होगा। लेकिन अगर आप हेडिंग भी चाहते हैं और लेफ्ट कॉलम का जो नेम वगैरह है वो उसको भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। और उसके बाद में क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका डाटा अगर अपडेट होता है, मतलब आपका वैल्यू जो है वो मान लीजिए 50 से 70 हो गया, तो 70 जो हुआ है मतलब 20 जो इंक्रीज हुआ है वो 20 यहाँ पे एडिशन नहीं दिखाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट लिंक्स द सोर्स डाटा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी अपडेट होगा वैल्यू का वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल ओके पे करना है क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो डाटा टेबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला वैल्यू जो है वो एडिशन जो है 105, वो 105 किस तरह से आया है, वो 105 आया है। पहला वाला जो डाटा टेबल में वैल्यू 1 है वो है 55, और उसके बाद में सेकेंड जो डाटा टेबल में वैल्यू है वहां पे है 50। तो 55 प्लस 50 इक्वल्स टू क्या हो गया, 105। तो यही 105 जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो 55 है इसको हम यहाँ पे 60 कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 60 कर देंगे तो इसका जो टोटल निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 110। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो ये अपडेट क्यों हुआ है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, और जितना भी सारे शीट है उन सभी शीट्स का जो वैल्यू है सभी को एडिशन करके आप एक नया डाटा टेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा हर एक
रो में प्लस बटन यहाँ पे दिख रहा है। प्लस का मतलब क्या होगा, मतलब ये जो वैल्यू 1 है 110 जो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये जो 110 है वो कैलकुलेट किस तरह से हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना है प्लस पे क्लिक। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बुक 1 में 60 है, बुक 1 50 में, मतलब एक शीट में 60 है और दूसरी शीट में 50 है, तो 60 प्लस 50 इक्वल टू 110। तो इस तरह से आपका हर एक प्लस में आपको नजर आएगा किस तरह से वो सम किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस के मदद से माइनस के मदद से आप वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं किस तरह से आपका डाटा आया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंसोलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और कंसोलिडेशन के ऊपर में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।